हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजु बूस्टर्स। अभी ये मेंडल की जो सीरीज चल रही है, इसका लगभग लगभग चौथा वीडियो होगा। चलिए बात करते हैं टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, इमेस्कुलेशन, बैगिंग और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जिसको पढ़ने के बाद आपको मेंडल थ्योरी एकदम ईजी वे में समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आप लिख के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताया करिए कि कैसा लग रहा है, और जितने लोगों को ये शेयर कर सकते हैं वीडियो शेयर किया करिए, जिससे सबके पास पहुंच सके। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे पहले हम बात करेंगे बैक क्रॉस। बैक क्रॉस आपको हम बता दें क्या होता है। बैक क्रॉस यहाँ पे हमने ले लिया एक डोमिनेंट कैरेक्टर, एक हमने ले लिया रिसेसिव कैरेक्टर। जब इसका हमने क्रॉस कराया तो यहाँ पे हमको मिल गया टी एंड टी। देन इसके बाद इसका हमने क्रॉस कराया टी एंड टी। देन इसके बाद यहाँ पे टी एंड टी। सभी हमको आप लोग जानते हैं कि F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस ही मिलेंगे। क्लियर है बेटा। बैक क्रॉस में क्या होता है कि जब F1 जनरेशन का क्रॉस पेरेंट्स के साथ करा दिया जाए तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। सिंपल डेफिनेशन भी आपको याद हो जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ है नहीं। जब F1 जनरेशन का क्रॉस उनके पेरेंट्स के साथ करा दिया जाता है तो उसे बोलते हैं बैक क्रॉस। बात अब हम आ जाएं दूसरी तरफ, टेस्ट क्रॉस। कहोगे कि सर बड़ा आसान से समझा रहे हैं। हाँ बेटा, बहुत आसानी से हम बताएंगे ही, समाप्त हो जाएगा। यही कैरेक्टर अब हम ले लेते हैं सेम, नहीं हम दूसरा बना लेते हैं, नहीं आप गुस्सा जाओगे ना, नाराज ना होना, यहाँ से ध्यान दीजिए। सेम हमने क्रॉस करा दिया बेटा TNT, फिर टी एंड टी, देन TNT एंड फिर TNT। सिर्फ टी और टी चल रहा है, MBA चाय वाला और बिहार की चाय वाली, यही चल रहा है TNT। भाई बड़ी बिजनेस है, लंबी चौड़ी, आप भी लगिए, अच्छा खासा अर्निंग है। तो यहाँ हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जब हम F1 जनरेशन का पेरेंट्स के रिसेसिव से ये हमारा रिसेसिव है, ये हमारा डोमिनेंट है, रिसेसिव से क्रॉस करा दें। जब हम पेरेंट्स के रिसेसिव से क्रॉस करा दें, ध्यान दीजिएगा, जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस पेरेंट्स के रिसेसिव कैरेक्टर से करा दें तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस खत्म, टेस्ट क्रॉस खत्म। कोई डाउट? पल भर में हमने बोला ना, सारा क्लास एंड करेंगे बेटा, अच्छे से समझ में भी आएगा, कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। यहाँ पे हम टेस्ट क्रॉस क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम जनरेशन को पकड़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक ठो दिखा दे रहे हैं, भाई हमारे पास ये है गैमेट्स, इसको हमने इससे क्रॉस करा दिया कैपिटल T स्मॉल T फिर स्मॉल T स्मॉल T। जब हम इसको क्रॉस कराते हैं तो हम चेक कर लेते हैं ना, टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो गैमेट्स था वह कैसा था। T एंड T, फिर इसके बाद T एंड T, देन इसके बाद फिर T एंड T और T एंड T। तो यहाँ पे श्योरिटी हो जाता है, जब हमको दो ठो ऐसे मिल जाएंगे जो कैसे होंगे, दो ठो हमको स्मॉल मिलेंगे भाई। यहाँ पे अगर हम इनका क्रॉस इससे, तो दो ठो हमको स्मॉल मिल गए और दो ठो हेट्रोजाइगस मिल गए, तो हमको श्योर हो जाता है कि जो हमारा कैरेक्टर यहाँ पे था वो हेट्रोजाइगस वाला डोमिनेंट था, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था, और ये टेस्ट क्रॉस में साबित हो जाता है। तो यही होता है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं बेटा, बैगिंग और इमेस्कुलेशन, जो बहुत अच्छा ही रोल निभाता है, जिसका यूज मेंडल ने किया था अपने एक्सपेरिमेंट में और जिसकी वजह से ये सफल भी हुए थे। जिस एक्सपेरिमेंट के वजह से ये सफल हुए थे उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे बेटा। इमेस्कुलेशन और इसके अगले स्टेप को ही कहते हैं बैगिंग। इसके अगले स्टेप को कहते हैं बैगिंग। इमेस्कुलेशन क्या है? जब यहां पे एक खेत था, यानी एक फील्ड था, मटर का पौधा बहुत सारा उगा हुआ था, इसने फूल ले लिया, भाई फूल थोड़ा डिफरेंट कलर करेंगे तो ज़्यादा आपको पसंद भी आएगा, फैन ऑन कर दीजिए,
यहाँ पे ये हो गए फ्लावर्स, ठीक है। इस फ्लावर्स में क्या हुआ, पॉलन आ गए, ये आ गए पॉलन, ये आ गए पॉलन, यहाँ भी आ गए पॉलन। अब क्या था कि बगल में एक और था किसान, जिसने क्या किया था कि खेत में कुछ भी नहीं लगाया, खरपतवार जमे हुए थे, मतलब वो बेकार टाइप का मटर का पौधा था, उसमें भी पॉलन आ चुका था। वो जंगली टाइप का मटर जान लो कि यहाँ पे उग गया था और इसमें भी आ चुके थे पॉलन। अगर यहाँ पे ये पॉलन को क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, तो हवा के या कीट फतिंगे के हेल्प से इस पौधे को हो सकता था ये पॉलिनेट कर दे, हो सकता था कि ये खराब जो पौधा है इसका पॉलन ग्रहण आके इसको पॉलिनेट कर सकता था। इस वजह से साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक थ्योरी अपना ली। क्या थ्योरी थी, क्रॉस कर दिया। क्रॉस करते ही बन गया सीजर और इसको कर दिया कट। कट करके यहाँ से हटा देना, इस पॉलन ग्रहण को हटा देना ही कहलाता है क्या, इमैस्कुलेशन। क्लियर है, इस स्टेप को कट करके हटा देना ही इमैस्कुलेशन कहलाता है। अब आप कहोगे कि सर ये कट करके हटा देने से फ़ायदा क्या हुआ। फ़ायदा यह हुआ बेटा कि यहाँ पे जो सारे पौधे थे, सभी पौधे फसल जो लगाए हुए थे, इसमें कुछ के कैरेक्टर जो उनको लग रहा था कि इसको हमें हटा देना चाहिए, उसको इन्होंने हटा दिया। इसलिए हटा दिया कि जब ये चाहेंगे तभी इस पौधे को पॉलिनेट कराएंगे, अन्यथा ये पॉलिनेट नहीं होगा। इनकी इच्छा के अनुसार ही यह फसल पॉलिनेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आप कहोगे सर ये तो अपने खेत के फसलों को पॉलिनेशन से बचा लिए, यहाँ पे कट कर दिए, लेकिन बगल वाले हो सकता है इसको आके पॉलिनेट कर दें। हाँ, तो उसके लिए इन्होंने एक टेक्निक अपनाया ना। इन्होंने क्या किया, इन्हीं फ्लावर के ऊपर एक प्लास्टिक का बैग लगा दिया, एक प्लास्टिक का बैग लगा के कवर कर दिया। इस फ्लावर को ही इन्होंने क्या किया, प्लास्टिक के बैग से कवर कर दिया। जब इनको आवश्यकता पड़ी कि इस अच्छे वाले पॉलन ग्रहण को इसमें डालना है, तो यहाँ होल था, ऐसा नहीं कि ये एकदम ही वो था, पैक था, होल वाला प्लास्टिक लगा के इसको ढक दिया, जिसको बोला जाता है बैगिंग। और जो इनकी फसल अच्छी खासी थी, जिसका पॉलन ग्रहण इनको चाहिए था कि ये वाला मटर अच्छा है, इसका पॉलन ग्रहण हमको इसमें डालना है, तो इसका उठा के पॉलन ग्रहण इसमें डाल देते थे और पॉलिनेट करा लेते थे। पॉलिनेशन तो जानते ही हो कि पॉलन ग्रहण एक पौधे से दूसरे पे डाल देना ही पॉलिनेशन है। तो वही सेम स्टेप कि पॉलन ग्रहण को कट करके हटा देना, इमैस्कुलेशन, और इसको ढक देना, ये पॉलिनेट ना होने पाए, इसको बोलते हैं बैगिंग। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, बैगिंग, इमैस्कुलेशन, हमने समझा दिया। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करके जाइएगा, और जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिए। यह क्लास सिर्फ और सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ही नहीं, ये सेकेंड ईयर के लिए भी ज़रूरी है, और 11th 12th में ऑलरेडी है, और जहाँ भी मेंडल का रूल पढ़ना है सभी लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।